दोस्तों अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, सभी रेगुलेट की जाती हैं यूजीसी के द्वारा, क्योंकि यूजीसी ही एक रेगुलेटिंग बॉडी है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। हालांकि दोस्तों सभी स्टेट्स में देखा जाए तो एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन भी चलती है। तो रेगुलेटरी कमीशन का काम क्या होता है? इन्हीं यूनिवर्सिटीज पर नजर रखना और बाकी रिपोर्ट को आगे देना। दोस्तों YBN यूनिवर्सिटी पर हालांकि पहले भी हमने वीडियो बनाई है और पहले भी आपके कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं, बट हमारे पास जो लगातार और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे जो व्हाट्सएप आए आप स्टूडेंट्स के कि इस यूनिवर्सिटी के कंप्लीट अप्रूवल्स के बारे में वीडियो बनाएं, कंप्लीट कोर्सेज के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को कैसे आप चेक करेंगे, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो आपके साथ नहीं आएगी। झारखंड की दोस्तों हालांकि कई सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में रिव्यू भी किया है और बताया आपको क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। YBN यूनिवर्सिटी में देखा जाए वैसे तो काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज चलते हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स वहां पर अभी हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन उन्हें मिलती है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन मिलना हर स्टूडेंट का अधिकार है और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी भी चाहिए। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। वैसे YBN यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो काफी बड़ा है, एक ह्यूज कैंपस है, पर कितने स्टूडेंट्स रेगुलर वहां पर पढ़ते हैं और आप में से कौन कौन स्टूडेंट अभी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, क्या कोर्स कर रहा है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, या किस कोर्स में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में उसके बारे में भी कमेंट आप जरूर करना। हो सकता है कि आपके कोई सवाल रह जाए इस वीडियो के बाद में, पर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका कोई भी किसी भी तरह का सवाल ना रहे YBN यूनिवर्सिटी को लेकर। ज्यादा कुछ जानने के लिए YBN यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों YBN यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसी तरह की बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह है जितनी टोटल झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। दोस्तों टोटल देखा जाए तो 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं झारखंड में और टोटल 440 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अपने देश में। हालांकि और भी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, पर हम बात कर रहे हैं आज YBN यूनिवर्सिटी की जो कि झारखंड में है। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में और बात करें तो रजाउल लातू जगह पड़ती है नामकुम के नाम से, रांची में जगह है ये। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टेटस आप अगर विकिपीडिया पे थोड़ा बहुत देखें तो 2017 में ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पे लिस्टेड है, रांची में यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ybnu.ac.in। हालांकि पहले वेबसाइट दूसरी भी एक चलती थी, उसके बारे में भी आगे आगे बताऊंगा और क्यों चेंज हुई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी रेगुलेट की जाती हैं यूजीसी के द्वारा, क्योंकि यूजीसी ही एक रेगुलेटिंग बॉडी है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। हालांकि दोस्तों सभी स्टेट्स में देखा जाए तो एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन भी चलती है। तो रेगुलेटरी कमीशन का काम क्या होता है? इन्हीं यूनिवर्सिटीज पर नजर रखना और बाकी रिपोर्ट को आगे देना। गारंटी विदाउट गारंटर इज नथिंग, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। गारंटर कौन है इन यूनिवर्सिटीज का कि यूनिवर्सिटी मान्य है? वो यूजीसी। यूजीसी ने मान्यता दी इसीलिए यूनिवर्सिटीज चलती हैं। और दोस्तों जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी को मान्यता दी जाती है। और यूनिवर्सिटी जब बनती है तो सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, यूजी पीजी प्रोग्राम्स को चलाना शुरू कर देती है। बाकी दूसरे कोर्सेज को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेना होता है काउंसिल बॉडी का। काउंसिल बॉडीज का अप्रूवल लेने के बाद ही दूसरे कोर्स चला सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। YBN यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर दोस्तों चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले आप टाइप करें www.ugc.gov
yugc.in। जैसे ही आप ये टाइप करके यहाँ पर एंटर करते हैं, इंटरफेस खुलेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो ऊपर टैब्स बने हुए हैं दोस्तों, टैब्स में HEI पे आप क्लिक करेंगे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक टैब बना हुआ है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो स्टेट्स बने हैं, इन स्टेट्स में झारखंड पे आप क्लिक कर दीजिए। झारखंड पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप आ जाइए, यहाँ पर 440वें नंबर पर। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं अपने देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 440, और 440वें नंबर पर ही इस यूनिवर्सिटी का नाम डला है YBN यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मान्य है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, झारखंड में है। आगे जो मेंशन है अदर डिटेल्स, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे 4/7/2017, 4 जुलाई 2017 में यूनिवर्सिटी दोस्तों बनी है। 17/1/2018 में लिखा हुआ है डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, जो डिटेल सबमिट होती है। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है, मतलब UGC ने मान्यता दी है। आपके दिल में क्या सवाल है और आप क्या जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो भी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और हो सकता है अगर वो रिप्लाई, अगर हमें लगता है कि उस पर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, हम वीडियो भी बनाएंगे, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज या किस कोर्स पर आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। और आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो हम एजुकेशनल वीडियोज आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।